हेलो स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर के दूसरे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बात कर रहे थे क्वांटम नंबर का, कि क्वांटम नंबर क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि क्वांटम नंबर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के शेप, साइज और एनर्जी को बतलाता, उसी से रिलेटेड था। इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं अफबाऊ रूल। कुल मिला के तीन रूल इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन जहां तक हम पढ़ा सकते हैं उसको पढ़िए। जैसे कि पहला है स्टूडेंट अफबाऊ रूल, सेकेंड है हुंस रूल और थर्ड है पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछता है, हमेशा 2016 से लेकर अभी तक पूछते आया है। इसीलिए स्टूडेंट्स पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे, लेकिन अफबाऊ रूल को भी समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये तीनों रूल किस लिए पढ़ते हैं, इसका यूज कहाँ होता है। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं हिंदी में, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, एल्युमिनियम का क्या होगा। तो स्टूडेंट जितना भी एटम है सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करते हैं, तो उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने में ये तीनों रूल हमें हेल्प करता है। अब उस तीनों रूल का यूज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे होता है, तो स्टूडेंट आपको बतलाया गया होगा कि एस ऑर्बिटल से लेकर एफ ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉन उसमें इन करता है। अब डिपेंड करता है कि किस सेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। आपको एस ऑर्बिटल से लेके एफ ऑर्बिटल तक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक डाटा तैयार किया गया होगा, उस डाटा में एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल को सजाया गया होगा, और देखते होंगे कि सभी ऑर्बिटल में एक एरो का साइन देके इलेक्ट्रॉन को उससे होकर गुजारा जाता है। तो आप ये मालूम करिए कि सबसे पहले एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्यों गया, एस के बाद जाता है पी, पी के बाद जाता है डी, डी के बाद जाता है एफ सब सेल में। तो सभी सेल में इलेक्ट्रॉन जो इस तरह से मूव कर रहा है, आखिर एस में ही पहले क्यों गया, पहले पी ऑर्बिटल में क्यों नहीं गया। तो स्टूडेंट्स इस बात को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं अफबाऊ, हुंस एंड पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। सबसे पहले देखिए अफबाऊ रूल को अच्छे से समझिए। अफबाऊ कोई साइंटिस्ट नहीं था, ये एक जर्मन वर्ड है। ये कैसा वर्ड है, जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब होता है बिल्ड अप, मतलब निर्माण करना, ना एस ऑर्बिटल से धीरे 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 ऊपर उठ के कहाँ तक चल जाएंगे, एफ सबसेल तक, ये हुआ निर्माण करना। तो अफबाऊ क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्ड अप करना। तो ये दो रूल दिए थे अफबाऊ के अनुसार, दो रूल है। पहला रूल कहता है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सेल में इन करेगा जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इन करेगा जिस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसका एनर्जी लेवल कम हो, सबसे लोएस्ट हो। एनर्जी लेवल का मतलब क्या, एन प्लस एल का वैल्यू, एन प्लस एल का वैल्यू, n का वैल्यू और l का वैल्यू दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। रख दो कहीं पर। स्टूडेंट्स n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल प्लस एज्यूमिथल क्वांटम नंबर बराबर होता है एनर्जी लेवल। दोनों को ऐड कर देंगे दोनों को वैल्यू हो जाएगा एनर्जी लेवल। तो कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इन करेगा जिसके लिए n प्लस l का वैल्यू कम हो, जिसके लिए n प्लस l का वैल्यू कम हो उसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। n प्लस l का वैल्यू कम का मतलब क्या है, इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी कम है। स्टूडेंट्स पहला नियम के अनुसार क्या, अफबाऊ का पहला नियम क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इन करेगा जिसका एनर्जी लेवल कम हो, अर्थात जिसके लिए n प्लस l का वैल्यू कम हो। समझ में आया, क्या समझा अफबाऊ क्या बोलता है,
इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसका एनर्जी लेवल कम हो या जिसका n प्लस l का वैल्यू कम हो। लेकिन बात आ गया क्या, ये रूल फेल कर गया कुछ समय के बाद। कब? जब n प्लस l का वैल्यू दो ऑर्बिटल के लिए सेम आ जाए। हमारे पास दो ऑर्बिटल k l m m चार ऑर्बिटल हैं यहां पर, और n प्लस l का वैल्यू इसके लिए भी सेम आ गया और इसके लिए भी सेम आ गया। अब तो पहला नियम तो फेलन हो गया। पहला नियम कहता था जिसका एनर्जी लेवल कम, यानी जिसका n प्लस l का वैल्यू कम है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में जाएगा। लेकिन ये नियम कब फेल हो गया? जब दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस l का वैल्यू सेम आ गया। ये कब फेल हो गया? कम करी रहा हूँ बड़ी करी रहा हूँ ये नियम कब फेल हो गया? जब n प्लस l का वैल्यू दो ऑर्बिटल के लिए सेम हो गया, तब फिर हुआ दूसरा नियम क्रिएट। दूसरा नियम क्या आया? कहता है कि यदि दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस l का वैल्यू बराबर हो जाए। दूसरा नियम अफबाऊ में कहा गया कि जब दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस l का वैल्यू इक्वल हो जाए, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा? जिसके लिए n का वैल्यू कम हो, जिसके लिए n का वैल्यू कम हो। बात को समझना। अफबाऊ रूल का पहला नियम कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसका एनर्जी लेवल कम हो, अर्थात जिसके n प्लस l का वैल्यू कम हो। लेकिन दूसरा नियम, पहला नियम फेल कब हुआ? जब दो ऑर्बिटल के लिए एनर्जी लेवल सेम हो गया। तो उस कंडीशन में सेकेंड लॉ कहता है कि जब दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस l का वैल्यू इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसके लिए n का वैल्यू कम हो, सिर्फ n का वैल्यू कम हो। तो दो नियम किसके लिए? अफबाऊ रूल के लिए। यही बात एग्जाम में बस लिख देना है दोनों नियम, और फिर नीचे थोड़ा आपको इलेक्ट्रॉन किस तरह से इन करते हैं वो दिखा देना है। तो देखिए एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, डाटा तैयार करता हूँ। ये हो जाएगा 1s, यहाँ इस तरह से घर में इसको बंद कर दीजिए। ऐसा कहीं देखिए डब्बा बना हुआ है, कहाँ देखिए? बुक में। एक दो तीन चार पाँच छ हुआ, ये 2s, ये 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, यहाँ जगह 7s, 7p, 7d और सेवन है। ये सब स्टूडेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। अब बात करते हैं कि किस ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन उधर से हम लेके आए, यहाँ पे रख दिए। अब इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन कितना है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे बाईस घर है। इस 22 घर में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस घर में जाएगा उस पर डिपेंड करेगा। इस घर पे जाएगा उस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा, किसी भी घर में चला जाएगा। 10 स्टूडेंट आएगा, 10 स्टूडेंट पहले क्या करेगा? सबसे पहले 2p में इन करवा देगा, दूसरा स्टूडेंट 3d में इन करवा देगा, चौथा स्टूडेंट 6d में इन करवा देगा। सबका आंसर अलग अलग, इसीलिए सबका आंसर सेम हो, सिमिलरली हो, सही हो, इसके लिए रूल बना अफबाऊ रूल।
इसके लिए क्या बना अफबाउ रूल, और कंडीशन आया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसका एनर्जी सबसे कम है। ये जो बायस उभर है ना, सबसे कम एनर्जी किसका है, 1s का। वो कैसे पता चलेगा, n प्लस n का वैल्यू आप निकाल लो 1s के लिए, 1s के लिए ना, इस घर के लिए n प्लस l का वैल्यू बाबू बताइए। n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर को ना, 1 2 3 4 5 जो है, तो यहाँ पे कितना होगा n का वैल्यू 1, और s के लिए l का वैल्यू कितना 0, एनर्जी कितना हो गया 1। अच्छा 2s के लिए, 2s के लिए, इसके लिए n प्लस l का वैल्यू कितना होगा 2 प्लस 0 बराबर 2। अब बढ़ते जा रहा है एनर्जी, किसका एनर्जी कम है, s का एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s में जाएगा, मतलब 22 घर है, इस 22 घर में अफबाउ रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा इसमें। चलो यहां तक समझ में आया, सबसे पहले किस में गया 1s में गया, अभी तो खत्म, अब बचा है 2s और 2p। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा फिर 2p में, हम वैल्यू निकाल लेते हैं, हम वैल्यू यहां से स्टूडेंट निकाल लेते हैं, 2s के लिए तो आया है 2, और 2p के लिए n प्लस l का वैल्यू हो जाएगा इसका 2 और p का वैल्यू 1, मतलब कितना 3। इसका मतलब है कि 2s का एनर्जी 2p से कम है, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2s में जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें जाएगा 2s में जाएगा। अच्छा अब फिर देखिए, इसको उल्टा करके लिखना चाहिए था, ये जो है ना हम जानबूझ के ऐसा लिख दिए ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए, लेकिन जब एग्जाम में लिखूंगे इसको उल्टा करके, ताकि जब इलेक्ट्रॉन जब गुजरेगा इससे तो आपको उससे एरो का साइन देने में आसानी हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है 2p और 3s। अब देखो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, 2p के लिए n का एनर्जी लेवल है 3, और 3s के लिए, 3s के लिए देखिए एनर्जी लेवल कितना होगा 3 प्लस 0 बराबर 3। अब अफबाउ का दूसरा नियम लागू, पहला नियम है 2p का वैल्यू आया है 3 और 3s का वैल्यू आया है 3, दोनों का एनर्जी सेम, जितना एनर्जी है 2p ऑर्बिटल में उतना ही एनर्जी है 3s ऑर्बिटल में, दोनों का एनर्जी सेम हो गया। अब इस कंडीशन में अफबाउ का पहला रूल फ्लॉस, फॉल्स कर गया। अब दूसरा नियम क्या कहा था, उसने n का वैल्यू कम रहा, हाँ, कि दूसरा नियम बताया था कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसके लिए n का वैल्यू कम हो, तो 3s में n का वैल्यू 3 है और 2p में n का वैल्यू 2 है, तो देखो n का वैल्यू यहां 2p में कम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा 2p में, तो ऐसे गुजरता है, ऐसे करके गुजरेगा ऐसे ना, मतलब 2s में आया और फिर 2p में गया। अब देखिए यहां 3s है, 3p है और 3d है। अब हमारे पास है इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा कि 3p में जाएगा कि 3d में जाएगा कि 4s में जाएगा, तो अब डायरेक्ट निकाल लो 3 प्लस 1 कितना 3 ही, इसका कितना 3 1 4, इसका तो ज्यादा हो गया, इधर नहीं जाएगा। अब इसमें देखो 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 कितना 4, इसका एनर्जी कम है, सबसे पहले किस में जाएगा, इसमें जाएगा नहीं जाएगा। अब फिर देखो इस दोनों में कंपेयर करो, इसका कितना 4, इसका भी 4, दोनों का एनर्जी सेम, अब n का वैल्यू इसका कम है तो किस में जाएगा, इसमें जाएगा, मतलब क्या, जब इसको मैं उल्टा सजाता तो ऐसे जो एरो देते हैं ना तो डायरेक्ट वो कटता नहीं कटता, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन इस तरह से गुजर जाता है स्टूडेंट्स, इस तरह से जाता, लेकिन हम तो इसे उल्टा बनाते हैं इसीलिए पता नहीं चल रहा है आपको, जब इसको मैं जब उल्टा बनाऊंगा तो आपको अच्छा से पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाने वाला है। कैसे बताने वाला हूँ देखिए, हमको आपको बतलाए थे कुछ है मेरे पास ऐसा, इस तरह से था, सब मार्कर तुम खा गए मेरा, तुम दोनों एक नंबर क्या बना,
सर्किल वाला तुरंत हो जाएगा क्या? वन एस टू एस टू बी थ्री एस थ्री बी थ्री डी फोर एस फोर बी फोर डी फोर एफ फाइव एस फाइव बी फाइव डी फाइव एफ सिक्स एस सिक्स पी सिक्स डी सिक्स एफ सेवन एस सेवन पी सेवन डी और सेवन एफ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। अब देखिए फिर से, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? तो एस में, इस तरह से, इस तरह से जाता है, फिर इस तरह से जाएगा। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 2p में, उसके बाद 3s में जाएगा इस तरह से। अब देखिए सबसे पहले इसमें जाएगा किस में जाएगा? इसका संख्या कितना? चार, इसका भी चार, लेकिन इसमें n का वैल्यू कम है, इसमें n का वैल्यू ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएगा ना। अब देखो मैंने समझ मारा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन तीन हुए हैं, क्या इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा किधर से जाएगा? इसका वैल्यू कितना? पांच, इसका वैल्यू भी पांच, इसका भी वैल्यू फाइव। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू तीन है और d का वैल्यू हो जाएगा दो, यानी पांच। इसका एनर्जी पांच, इसका भी एनर्जी पांच, इसका भी एनर्जी पांच, तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है। नहीं कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे ऐसा दे दिखेगा किसका किसका एनर्जी लेवल सेम है, एन प्लस एल का वैल्यू निकाल लेना। लेकिन इसका एन का वैल्यू सबसे कम है, उससे एक ज्यादा इसमें, उससे एक ज्यादा इसमें, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएगा। अब आंख बंद करके जैसे खींच दो ऐसे ही होगा। ऐसा ही होता होता है ना, बस इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में करता है। किसके अनुसार? अपवाउ रूल के अनुसार। किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा ये अपवाउ ने बतलाया था। अपवाउ रूल के ही अनुसार हम लोग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं, और इस रूल को कहते हैं साइमन रूल। ये साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट ने बतलाया था इसके बारे में, उसका नाम था साइमन। क्या नाम था? साइमन। इस रे को क्या बोलते हैं? साइमन रे। क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था। अखबाउ मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए अखबाउ रूल किसे कहते हैं ना। एक बार स्टूडेंट फिर से समझ लीजिए, अखबाउ रूल के अनुसार किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, इस बात का एक्सप्लेन अखबाउ रूल में ही किया गया। अखबाउ रूल का फर्स्ट रूल के अनुसार कहता है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इन करेगा जिसका एनर्जी लेवल लो हो, यानी जिसके लिए एन प्लस एल का वैल्यू कम। सेकेंड लॉ के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इन करेगा जिसका एन का वैल्यू कम हो। ये कंडीशन कब अप्लाई होता है? जब दो ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम हो जाए। थैंक यू। नेक्स्ट विजुअल लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे हुंड्स रूल। ठीक है।